राजस्थान की विधानसभा में आज मैंने पर्ची के माध्यम से राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों का विषय उठाया था। मैंने बताया कि राजस्थान में 20 लाख से अधिक पंजीकृत नौजवान है जो नौकरी की तलाश में है। 8,54,119 सरकारी पद हैं, उनमें से 60,000 पद सरकार ने समाप्त कर दिए, 3 लाख पद खाली हैं और 1,54,000 पदों की नौकरी हुई वो सारी विभिन्न कोर्टों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, विभिन्न अदालतों में है और सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है। राजस्थान में प्रतिवर्ष पुणे 2 लाख विद्यार्थी बीएड और बीएससी की स्कूल और कॉलेजों से बेरोजगारों में पंजीकृत हो जाते हैं और सरकार उनको नौकरी उपलब्ध नहीं करा रही है। इस सारा मुद्दा मैंने उठाया, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने जवाब केवल कौशल विकास तक सीमित कर दिया और आगे क्या करेंगे यह बता दिया, इन भर्तियों को कैसे कर पाएंगे उन्होंने नहीं बताया। मुझे इस बात का खेद है।